अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, एक्सरसाइज 1C क्लास 5 सब्जेक्ट में। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉल्व द फॉलोइंग। इनको हमने डिवाइड करना है। इसका फर्स्ट पार्ट 3 का कि 12545 डिवाइड बाय 5, इसको हमने डिवाइड बाय 5 करना है। ठीक है, तो यहाँ आएगा 12545 डिवाइड बाय करेंगे 5 से। ठीक है, अब इसको हमने यहाँ चूंकि हमारे पास 1 डिजिट है जिसे डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ भी आप इसको 1 डिजिट से डिवाइड करना है, क्योंकि 1 हमारे पास नंबर छोटा है, हम 5 से डिवाइड नहीं कर सकते। आप इन दोनों को बताएं क्या बनेगा 12। अब आपने 5 को टेबल पढ़ना है, हमारे पास 12 आए या इसके नियरेस्ट नंबर आए, तो 5 2 10 होगा और 5 3 15 होगा। आपने वो नंबर लगाना है जो इससे छोटा हो या इसके नियरेस्ट हो या कम्प्लीट यही नंबर हो, तो 5 2 10 रहेगा। अब माइनस करना है, आपने 2 में 0 को निकाल दिया, 2 आएगा बाद में 0। अब ये जो नीचे 5 है इसको जला है आपने। ठीक है, 25 बन गया, क्यों कि 2 से हम डिवाइड नहीं कर सकते थे। अब 5 5 का रहेगा 25। अब 5 से 5 0, 2 से 2 0, अब इसको 4 को नीचे लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ 4 आ गया। अब हम 4 को डिवाइड नहीं कर सकते 5 से, तो 4 हमारे पास नंबर छोटा है। अब इसको नीचे लाना है, जब दो डिजिट्स को हम इकट्ठा नीचे लाएंगे, यहाँ का नाम मेरा 0। अब 5 पर टेबल पढ़ना है, अपने हमारे पास 45 है, तो 5 9 आ रहा है 45। 5 में से 5 0, 4 में से 4 0, यही हमारा आंसर है। उसके बाद सेकंड वाला है कि 1,87,616 डिवाइड बाय 143, तो यहाँ भी रहेगा 1,87,616 डिवाइड बाय 143। अब 143 में यहाँ हमारे पास 1 2 3 3 डिजिट है, यहाँ भी आपने इसको सॉल्व करना है पहले फर्स्ट 3 डिजिट के साथ। ठीक है, अब 143 का टेबल हम बनाएंगे, हमारे पास 187 आए या इसके नियरेस्ट आए। अगर इसको हम करते हैं 2 से 2 3 6 2 4 8 2 1, तो ये नंबर घट जाएगा। इससे फिर हमें 1C करना है कि 143 को 1C करेंगे मल्टी पे, तो आप यही आएगा 143। अब माइनस करेंगे 7 3 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा, 8 में से 4 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा, पीछे ये 6 आएंगे जी। अब 143 को हम करते हैं मल्टीप्लाई 3 से करते हैं, 3 3 9 3 4 12 1 3 1 3 1 4, तो यही आएगा 429। अब इनको माइनस करेंगे, यहाँ लिखा 3 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से ये कह रहे हैं 16 16 में से 9 7, यहाँ रहेंगे हमारे पास 3 3 में से 2 1। अब ये जो 1 है इसको नीचे लाएंगे। ठीक है, अब इसको 1 से करेंगे, अगर 2 से करेंगे तो नंबर बढ़ जाएगा, तो ये 1 43 बाई 1 तो आएगा 1 43। अब यहाँ से ये कह रही, यहाँ बाद भी छोटा है, हम 3 में से माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से ये कह रही 11 में 3 8 आएगा, यहाँ 6 में से 4 2। अब ये 6 नीचे लाएंगे, अब 143 को आपने 2 से खत्म नहीं करना है, तो यह 286, तो यहाँ लिखने के ऊपर हम 2 लिखेंगे। ठीक है, तो यही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट वन है 3,13,636 डिवाइड बाय इतना है, अब इसे डिवाइड करते हैं 3,13,636 डिवाइड बाय 89। ठीक है, यहाँ चूँकि हमारे पास 2 डिजिट है, फिर आपने 2 डिजिट से डिवाइड करना है, तो ये चूँकि हमारे पास 31 छोटा है, 89 बड़ा है, फिर आप इसको बनाएंगे थर्ड वाले को, जब बनाया 300 एंड 13। अब इसको बनाएंगे टेबल, हमारे पास ये वाला है इसके लिए रेस्ट आता है, तो 89 बाई 3 करते हैं, 3 9 27 7 2 3 8 24 24 2 ऐड करें तो 26 आएगा। आप इसको 3 से करते हैं, 4 से करते हैं, 4 9 36 6 3 4 8 32 32 3 ऐड करें 35, तो ये नंबर बढ़ जाएगा। फिर से करेंगे 3 से करेंगे, यहाँ हमें 3 और यहाँ आएगा 267। अब इनको माइनस करना है, यहाँ से ये कह रही 13 में 7 6 आएगा, यहाँ आएगा 0, यहाँ से ये कह रही 10 10 में 6
10 में 6 करेंगे तो माइनस को आपको 4 आएगा, आपके 2 में 2 0, आप ये 6 को नीचे लाएंगे इधर की। अब हमने 4 किया ये वाला 5 से कर देंगे, 89 18 5 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
यहाँ आएगा 4, 4, 5। आप 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 6 में से 4 करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा। आप ये नीचे लाएंगे ठीक है 3। अब इसे करना है आपको 3 से करके बढ़ जाएगा, फिर इसको 2 से करेंगे 2 9 18, 1 कह रही 2 8 16 और 1 17 आएगा। अब यहाँ से लेके आ रहे 13 13 में से 8 निकाल देंगे तो 5 आएगा, यहाँ रहेगा 0। यहाँ से लेके आ रहे 10 में 7 3 आएगा। आप ये नीचे लाएंगे, आप ये 16 चलाएंगे तो यहाँ आएगा हमारे पास फिर 356। आप कर रहे हैं इसको 4 से दिया आएगा 356, 356 तो मान के 6 में 6 0 5 5 0 3 3 0, तो यही यहाँ से। अब इसके अंदर डायरेक्ट करना है ना एक्सरसाइज 1C क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 1 से लेके 3 तक आपने करके इनकी प्रैक्टिस करनी है और इनका ऑप्शन होता है।